मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से इस पर बात हो गया होगा कि इसीलिए उधर गए होंगे कि मतलब कि बिहार को अब मिल जाएगा विशेष राज्य, विशेष राज्य का दर्जा जी मिल जाएगा। तो इस बात को मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर देना चाहिए कि हमें मन नहीं लग रहा था। हैं कि मन अब उनका मन लगाने के लिए हम लोग मतलब कि ठुमका लगाएं क्या उनके सामने, ठुमका लगाएं सामने नौकरी पर नौकरी देने लगे, बिहार में अच्छा मतलब कि होने लगा, गरीबों को हक हिस्सा मिलने लगा। ये लोग जो मुख्यमंत्री जी के अगल बगल बैठे हुए लोग थे जो कल भी नहीं चाहते थे कि बिहार में दलितों को पिछड़ों को शोषितों को अधिकार मिले और आज भी नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को अधिकार मिले, वही लोग जो है जी। ये पलटी मरवाने का काम किए हैं। अभी पूरी तरह खेला बाकी है। क्या बात कर रहे हैं, ये कोई खेला नहीं है, ये नहीं नहीं ये तो समझिए कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर बात है तो नीतीश कुमार जी को गोपाल मंडल जी को अच्छा पद देना चाहिए, काम किया था इनाम भी बड़ा होना चाहिए। हाउस अरेस्ट हम लोग कभी नहीं हुए थे, सारे विधायकों ने अपने स्वेच्छा से अपना स्वेच्छा जाहिर किया, हम लोग यही रहेंगे, हम लोग वही रहे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जिस खेले का हम जिक्र कर रहे थे वो खेला बिहार में हो गया, और खेला बिहार में एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ। देखिए, आपको याद होगा कि बिहार में पहला खेल हुआ 28 तारीख को, जब बिहार में तख्ता पलट हो गया, और बिहार में दूसरा खेल हुआ 12 फरवरी को, जब आरजेडी के 3 विधायकों ने राजद को, लालू तेजस्वी को गच्चा दे दिया और मुस्कुराकर देखते रहे तेजस्वी यादव। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे राजद विधायक फतेह बहादुर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे फतेह जी कि तख्ता पलट बिहार में हो गया है, और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है, क्या लगता है काम होगा ना उसी बुलेट की रफ्तार से? देखिए, काम का रफ्तार तो जिस दिन नीतीश कुमार जी पलटी मारे उसी दिन पता चल गया। मुख्यमंत्री जी का मुख्य केंद्र से डिमांड क्या था जी? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बिहार का विकास हो सकता है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी से इस पर बात हो गया होगा कि इसीलिए उधर गए होंगे कि मतलब कि बिहार को अब मिल जाएगा विशेष राज्य, विशेष राज्य का दर्जा जी मिल जाएगा। तो इस बात को मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर देना चाहिए कि हम जो उधर गए हैं, विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल गया है, अब विकास होगा बिहार का, अब यहाँ पैसे का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन इन्होंने पलटने का कोई कारण अभी तक मुख्य कारण बताने का काम नहीं किया। नहीं किया तो बता तो दिया कि ये लोग जब आए तो इधर उधर होना शुरू हो गया, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए फिर हम नहीं नहीं वो अहम एक बात बोले थे कि हमें मन नहीं लग रहा था। हाँ, ये भी बोले हैं कि मन अब उनका मन लगाने के लिए हम लोग मतलब कि ठुमका लगाएं क्या उनके सामने, ठुमका लगाएं सामने जी। अब उनका मन नहीं लग रहा, इतना बढ़िया राज्य में काम हो रहा था, लोगों को नौकरी मिल रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा था, अब क्यों नहीं मन लग रहा था? आप ना बताइएगा कि इधर उधर क्या कर रहे थे आप लोग, ऐसा क्या इधर उधर कर रहे थे कि उनका मन नहीं लगा? साफ साफ कह दिया कि शिक्षा ही विभाग में देखिए ना कि फाइलें रोक दी जाती थी, तो हम क्या करते? नहीं नहीं आप बताइए ना, उतना जो है 70 दिनों में उतना नौकरी देने का काम किसने किया? वो विभाग 17 महीने जो शिक्षा विभाग में 70 दिनों के अंदर ही तो मतलब कि 2.25 लाख नौकरी दिया गया ना, वो विभाग किसके पास था? हाँ, शिक्षा मंत्री तो थे, आरजेडी के पास था, आरजेडी के पास था। फिर
तो विधा विभाग उनका बदल दिया गया। अरे जब नौकरी देने के बाद ना, जब देखने लगे कि अब नौकरी पर नौकरी देने लगे, बिहार में अच्छा मतलब कि होने लगा, गरीबों को हक हिस्सा मिलने लगा, तो ये लोग जो मुख्यमंत्री जी के अगल बगल बैठे हुए लोग थे, जो कल भी नहीं चाहते थे कि बिहार में दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को अधिकार मिले, और आज भी नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को अधिकार मिले, वही लोग जो है ये पलटी मरवाने का काम किए हैं। वही लोग पलटी, वही लोग जो नीतीश कुमार जी के अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे बैठे, मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का दिल नहीं था पलटी मारने का, ये जो अगल बगल दाएं बाएं लोग हैं उनके कहने पर मुख्यमंत्री ने, हमारे नेता तो स्पष्ट बोल दिए तो उन्होंने तो केकई का जिक्र कर कि हाँ, तो उनके अगल बगल जो केकई लोग बैठे हैं उन्हीं के कारण ये सब हुआ है, वही बात। आज आपने तस्वीरें देखी कि नहीं, क्या गर्म जोशी से मिले लालू यादव और नीतीश कुमार, साथ में तेजस्वी भी थे, बातचीत भी हुई लगता है। देखिए मैं वही था, मैं साथ में ही था। क्या बात हुई बड़े दिन बाद, यानी कि पलटी मारने के पहली बार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए आ रहे थे और मुख्यमंत्री जी निकल रहे थे, इत्तेफाक है, दोनों लोगों में मुलाकात हुआ और कोई बात नहीं हुआ, हम वही थे। अच्छा, बात नहीं हुई, मुलाकात? हाँ, कोई बात नहीं, गरम जोशी से मुलाकात हुई। हाँ, हम वही थे, आप वही थे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना करवाया और आप कह रहे हैं कि हमने करवाया, और आप ही ने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतना हिस्सेदारी हम देने का काम करेंगे जी। तो जातीय जनगणना हो गया है मुख्यमंत्री जी, आप 3800 जिला का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, 36% आपका अति पिछड़ा है जी, जी। और 27% ये पिछड़ा है, 20% दलित है, और अल्पसंख्यक मिलाकर इधर लगभग 89-90% का आबादी हो जाता है जी। तो क्या जातीय जनगणना का आंकड़ा आए हुए कुछ दिन हो चुका है जी, कि आपने शासन प्रशासन में, सचिवालय में 90% के लोगों को 90% का हिस्सेदारी देने का काम किया है कि नहीं किया है? मैं समझता हूं कि आज भी जो है शासन प्रशासन में जी 90% कुर्सियों पर 10% वालों का कब्जा है। तो मुख्यमंत्री जी केवल अति पिछड़ा, पिछड़े, दलित और मुसलमान के साथ ये कौन सा नाटक कर रहे हैं कि जिसकी जितना हिस्सेदारी उसकी उतना मतलब की भागीदारी, तो अभी से भी दे दीजिए हिस्सेदारी। मतलब आप भी चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, मैं चैलेंज नहीं, मैं सुझाव दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कथनी और करनी में कोई अंतर न हो तो बस दे दीजिए, तो 90% वालों को शासन प्रशासन में आप हिस्सेदारी दे दीजिए, सचिवालय से लेकर करके जिला तक। आप 38 जिला है, आप 38 जिला का आप खुद आप सर्वे करा लीजिए कि 3800 जिला में आईएएस आईपीएस जो है कितने अति पिछड़े हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने दलित हैं। अब पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा जो है अब मतलब कि उसको बरगलाने का, बरगलाइए नहीं, ठीक है। अच्छा फतेह बहादुर जी, आपसे पिछली बार भी बात हुई थी हमारी, आपने साफ कहा था कि इंतजार कीजिए, खेला करेंगे, लेकिन खेला तो आप, मैंने ये नहीं कहा था खेला करेंगे, मैं कहा था कि अभी खेला बाकी है, और आज खेला तो आप ही लोग के साथ हो गया। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहे हैं, अभी पूरी तरह खेला बाकी है। क्या बात कर रहे हैं, ये कोई खेला नहीं है, ये नहीं, ये तो समझिए कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है, समझ गए? वो कैसे? सदन में जो इधर के उधर जो तीन लोग बैठे थे जी, तो उन लोगों को बैठना इधर था और उन लोगों का गिनती कराने का कोई नहीं था, समझ गए? और हम लोगों ने कोई उनके लोगों को अपने तरफ बैठाने का काम नहीं किया है, और ये पूरी राज्य की ही नहीं पूरे देश के लोग देख रहे हैं इसको कि ये नीतीश कुमार जी जो है लोकतंत्र का हत्या करने का काम किए हैं। अच्छा,
ये समझ में नहीं आया कि आरजेडी के 3 विधायकों ने आप लोग के साथ धोखा क्यों कर दिया, गच्चा क्यों दे दिया आप लोगों ने, कुछ तो किया होगा जो इस कदर नाराज। देखिए, जो कुछ लोग होते हैं जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, जिनके कथनी और करनी में अंतर होता है, वैसे लोग कब कहां जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं होता है। चेतन आनंद को तो आप लोग जबरन रखे हुए थे अंदर। कौन कहता है? चेतन आनंद ने भाई ही ने उनके करवाई शिकायत गलत में। तो चेतन आनंद ने क्या बयान दिया कि हम लोग मीटिंग में आए हैं, सारे विधायकों का राय, लेकिन कहा कि हम पर भरोसा नहीं था, हम तो कह रहे थे कि हमको बाहर जाने दीजिए, हमको रोक कर रखा। नहीं नहीं, किसी को देखिए, सारे विधायकों का एक राय हुआ कि हम लोग यही रहेंगे, हम लोग बाहर मतलब बाहर नहीं जाएंगे जी। और आज सवाल इसका नहीं है, आप जो पूछ रही हैं, आज सवाल ये है कि बिहार के 90% के लोग जो हैं पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, उनको अधिकार कैसे मिलेगा? जब जातीय जनगणना हो गया है तो 90% वालों को 90% सत्ता में, शासन में, प्रशासन में कैसे हिस्सेदारी मिलेगा? और मैं कहता हूं कि अभी खेला पूरी तरह बाकी है, खेला बाकी है। हाँ, अभी मंत्रिमंडल खेला तो अब यही ना होगा, 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव। आप देखते जाइए, अभी ना, अभी जो देश की जनता है जी, क्या देख रहा है, क्या चाह रहा है। हाँ। हर पिछड़े, हर दलित के दिमाग में है कि हमारे लोग जो है शासन में, प्रशासन में होना चाहिए। अभी देखिए, अभी सत्ता डबल इंजन का सरकार बना है, पिछड़े दलित को कितने अधिकार मिलता है, कितने उधर टिकट मिलता है 90% के लोगों को जी। और कितने जातीय जनगणना जो हुआ है उसके अनुसार कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलता है। अच्छा, समझ गया। अब उसके बाद जो है, आप केवल जातीय जनगणना करवा कर करके और पिछड़े दलित को लॉलीपॉप दिखाइएगा तो नहीं चलेगा, और अधिकार नहीं दीजिएगा तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आपके साथ क्यों रहेगा? अच्छा अच्छा, आप गोपाल मंडल जानते हैं कि नहीं फतेह जी? गोपाल मंडल जी एक अच्छे विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं ना। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश सरकार तो गिरने वाली थी, हमने ही बचाया है। मतलब तो, आप लोगों को बड़ा जो आप लोगों के साथ जो खेल हुआ उसके पीछे गोपाल मंडल है। तो ऐसी अगर बात है तो नीतीश कुमार जी को, गोपाल मंडल जी को अच्छा पद देना चाहिए, अच्छा पद देना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा, मतलब कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया था, इनाम भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन आप लोग को भी पता चल गया है कि आप लोगों के खिलाफ षड्यंत्र किसने रचा है? देखिए, हम लोगों के खिलाफ ही नहीं, पूरे देश में चल रहा है। बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं जी, पूरे देश में डरवा के, धमका करके, ईडी सीबीआई का खेल सब चल रहा है, चल रहा है। आप जो जो लोग गए हैं आप देख लीजिए, समझ गए जी, वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। और सबको ईडी सीबीआई को डर दिखा कर करके लोगों सबको डराया गया है, डराया गया। आप देखिए ना, आप अजीत पवार जो है जी, महाराष्ट्र में वो कैसे चले गए बीजेपी के साथ? आप 4 दिन पहले आप बोल रहे थे कि एनसीपी पर 70,000 करोड़ का घोटाला है, इन लोगों ने घोटाला किया है, सबको जेल में डालेंगे। लेकिन आप जेल में न डाल करके आपने डिप्टी सीएम बना दिया, ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं आप? अच्छा, एक आखिरी सवाल फतेह जी, एक आखिरी सवाल। आज सुनने में ये आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने आज अपने विधायकों की बड़ी मीटिंग बुला ली है, अब क्या होने वाला है? देखिए, हमारे पार्टी का हमेशा मीटिंग चलते रहता है संगठन को मजबूत करने पर। हमारा पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे सभी जिला अध्यक्ष लोग भी आ रहे हैं, संगठन पर चर्चा होगा, लोकसभा चुनाव है, हमें 40 में 40 लोकसभा जीतना है, तो बैठक तो हो गई, बैठक होगी। मतलब आज कहीं हाउस अरेस्ट तो नहीं ना हो जाएंगे आप लोग, उस दिन की तरह रोक ले तो? हाउस अरेस्ट हम लोग कभी नहीं हुए थे। हाँ। सारे विधायकों ने अपने स्वेच्छा से अपना स्वेच्छा जाहिर किया, अपनी मर्जी से हम लोग यही रहेंगे, हम लोग वही रहे।
तो सुना आपने क्या कुछ बताया है फतेह बहादुर जी ने, देखिए बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं और सीएम नीतीश कुमार को भी जमकर सुनाया है, खूब चैलेंज भी दे दिया है कैमरे के सामने, क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।